Brought to you by ITIL Series. भर्ती परीक्षा चाहे कोई भी हो, लेकिन यूपी के मुन्ना भाई अलग अलग रास्ते निकाल ही लेते हैं। अब इन दो भाई साहब को ही देख लीजिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में तगड़ा प्लान बनाकर महंगी गाड़ियों में घूम रहे थे, लेकिन हाय रे किस्मत, एग्जाम से पहले ही धर लिए गए। आज यानी 17 फरवरी और कल यानी 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा है। दो दिनों में 4 पालियों में ये परीक्षा होगी। इस एग्जाम के लिए एक तरफ भारी भरकम अभ्यर्थियों की भीड़ सेंटर्स पर पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजार है। लेकिन इसी बीच इसे लेकर यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। झांसी में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया तो सभी के होश उड़ गए। झांसी में हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले यूपी एसटीएफ की टीम ने झांसी से दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो पहले भी परीक्षा में सॉल्वर का काम कर चुके हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक शामली का रहने वाला बताया जा रहा है, वहीं दूसरा बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। इन आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 2 कार बरामद हुई है। दिनांक 17 और 18 को दोनों दो पारियों में होने वाली थी, इसको ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था कि जो कोई भी सॉल्वर गैंग या अन्य लोग जो परीक्षा में सेंध लगा करके पेपर आउट करा सकते हैं और अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उनसे वसूली कर सकते हैं, इसके लिए एसटीएफ की टीमें तथा सभी जनपदों में टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर आज झांसी पुलिस टीम तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा दो अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे और अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए इन दो अपराधियों को, जिनका नाम मोनू कुमार और रजनीश रंजन है, जो मोनू कुमार शामली का रहने वाला, रजनीश रंजन बिहार का रहने वाला है, जो झांसी से गुजर रहे थे, मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा गया है और इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से प्रवेश पत्र, कुछ प्रवेश पत्र जो अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं, तथा लैपटॉप, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी, ये इनसे बरामद किए। हाँ बिल्कुल, इस गैंग में और भी सदस्य हैं, उनको पूछताछ के दौरान उनका नाम प्रकाश में आया है, उनको भी वांटेड किया गया। ये इनका कोई निश्चित स्थान नहीं था, ये रहते कहीं कहीं अपना, जैसे झांसी में मोनू कुमार ने अपना लैब स्थापित कर रखा है, रंजन कुमार ने भी अपना साइबर कैफे खोल रखा है, अन्य जो अपराधी इसमें अभी वांटेड हैं जो इस काम को करते आ रहे हैं, वो उन्होंने भी जगह जगह अपने लैब और साइबर कैफे खोल रखे हैं, तो इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये बिहार में भी लैब स्थापित है इनके, तो ये पूरे अदर स्टेट्स के भी जो परीक्षाएं होती रही हैं, भर्ती परीक्षाएं, उसमें भी इन लोगों के द्वारा ऐसा प्रयास किया जाता रहा है। ये अभी जो इनसे पूछताछ से पता चला है कि भर्ती परीक्षा जो होने वाली थी, इसके लिए इन लोगों का जो रेट था 8 से 10 लाख रुपए का रेट इन लोगों ने लगाया था, लेकिन प्री इनको समय रहते ही इनको पकड़ा जा चुका है। समय रहते ही इन दोनों अपराधियों को पकड़ लेने की वजह से ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं और परीक्षा हम लोग पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर कराएंगे। गैंग लीडर मोनू पंडित है जो मथुरा का रहने वाला है, इसके अलावा और भी लोग हैं और ये पकड़े जाएंगे तो और भी लोग इसमें, और भी लोगों का नाम सामने आएगा। पुलिस की माने तो आरोपी मोनू और रजनीश पहले भी परीक्षा में सॉल्वर का काम कर चुके हैं और एक बार फिर ये लोग एक्टिव हुए और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर का काम करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही सारा प्लान फेल हो गया और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अब यूपी एसटीएफ की टीम और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झांसी से अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।